मैम, भारत ने वैक्सीन तैयार की है कोरोना वायरस की, इस पर आपको क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? इस वक्त पे मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, बिकॉज हर बंदा जो है इस वक्त पे स्टक है, चाहे वो उसका कारोबार है, चाहे घर है, चाहे बच्चों की अपब्रिंगिंग है, एजुकेशन है, हर चीज़ इस वक्त पे एक पॉज पे लगी हुई है, हम लोग सब स्टक हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त पे वी शुड नॉट थिंक अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, US और एनीथिंग एल्स, एंड रादर देन जस्ट फोकस ऑन कि हाउ टू ओवरकम दिस थिंग। एक दफ़ा ये ओवरकम हो गई तो बहुत सुकून हो जाएगा ज़िंदगी में। फिर काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, काफ़ी सक्सेसफुल है उनका ये काम, क्योंकि जब अमेरिका ने रेडी किया था इस चीज़ को तो वो तो नाकाम हुए थे, और इन्होंने मतलब के किया है, सक्सेसफुल रहे हैं। सर, भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन तैयार कर ली, आपके मुताबिक कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है भारत ने? ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, मतलब एक इंसानियत के लिए उन्होंने ये एक कदम उठाया। देखें, एक मतलब मज़ाहिब जो हैं वो अपनी जगह पे होते हैं, इन चीज़ों को जो है ना वो मतलब ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। देखें, उन्होंने एक इंसानियत के लिए किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर भी फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो इसलिए उन्होंने एक अच्छा काम किया, इससे मतलब जो है फ़ायदा उठाना चाहिए, पूरी दुनिया को फ़ायदा उठाना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, और इस मामले में पाकिस्तान को भारत से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े अपनी जगह, और मेरे ख्याल से कोई ऐसी लड़ाई भी है भी नहीं, मतलब सिर्फ एक जितना हमने नोट किया एक मीडिया के थ्रू ही लड़ाई है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। और बाकी हमारी गवर्नमेंट को और हमारी गवर्नमेंट को अपने आवाम के लिए ये हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, और इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल की कोई शर्मिंदगी वाली बात है। मैम, इस वक्त भारत में 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही है, और उसके बाद भारत का टारगेट है 30 करोड़ लोग। उसके बाद इस वैक्सीनेशन की जो कीमत है वो 200 से 250 रुपए है, और अगर मैक्सिमम हुई भी तो 1000 रुपए होगी। आपको क्या लगता है कि ये कितनी, ये भी एक अचीवमेंट है भारत के लिए कि वो बहुत कम पैसों में ये सप्लाई कर रहे हैं? फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे इतनी गुर्बत है और इतना डाइवर्स उनका कल्चर है, अगर वहाँ पे वो लोग ये चीज़ प्रमोट कर सकते हैं तो मुझे लगता है वी शुड गेट इट टू पाकिस्तान एज वेल। एंड यहाँ पे हमें भी, हमारे भी यहाँ पे आपके 60% जो आवाम है वो नहीं अफोर्ड कर सकती, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा स्टेप है, और उनके तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, एंड वो जिस तरह के हालात में रहते हैं, पाकिस्तान के तो बहुत बेहतर हैं उससे हालात, तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर पाकिस्तान भी ले आए वो लोग, सो इट्स द बेस्ट थिंग। मैम, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को भारत से मदद लेनी चाहिए इस वैक्सीन के हवाले से? देखिए, माय पॉइंट इज़ कि इस वक्त इस पेंडेमिक में, और जो भी हमारा COVID-19 चल रहा है, इससे पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, राइट? तो इस, जब हम पूरी दुनिया इस चीज़ में सफ़र कर रही है, तो इधर मतलब दिस इज़ नॉट द पॉइंट कि कौन सा मुल्क वैक्सीन बना रहा है, कौन सा मुल्क नहीं बना रहा, या उनके साथ हमारे फ्रेंडली टर्म्स हैं, या उनके साथ हमारे कोई पर्सनल ग्रजेस हैं। द पॉइंट इज़ कि इस वक्त सबको यूनिटी की ज़रूरत है, और सबको एक होके उस चीज़ को करना चाहिए कि हम किस तरह सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, जस्ट टू सेव आर लाइव्स, सेव आर पीपल, एंड गेट आउट ऑफ इट। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड लाइव्स, ज़िंदगी की जब बात आती है और इंसानियत की बात आती है, तो कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। तो मुझे लगता है सबसे पहले इंसानियत को रखना चाहिए, एंड उनको भी ऐसा ही करना चाहिए मुझे लगता है, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, मदद मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। सर, कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तैयार नहीं हो सकी, लेकिन भारत ने तैयार कर लिया, तो आपको लगता है पाकिस्तान को भारत से मदद लेनी चाहिए? जी बिल्कुल लेनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अगर उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है तो हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट अ मेडिकल थिंग, तो इसमें इसको पॉलिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए वैक्सीन इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज आई वेंट टू गेट वैक्सीनेटेड एंड आई गॉट स्केयर्ड एंड आई केम बैक, मतलब माई फ्रेंड्स गॉट वैक्सीनेटेड, पर मुझे डर लग गया कि कोई ह्यूमन ट्रायल्स तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चीज़ है, तो ऑब्वियसली सब पोलियो की वैक्सीनेशन पर लोग डरते हैं, वी आर स्केयर्ड, बट इफ इट इज़ अबाउट मेडिकल एंड इफ दे हैव कम अप विद समथिंग विच इज एक्चुअली मेडिकली टेस्टेड एंड प्रूवन टू बी गुड, तो व्हाई नॉट। आपको क्या लगता है अगर ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान में आ जाती है तो यहाँ पर इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, या मुफ्त में ये लोगों को लगानी चाहिए? देखिए, जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, ये तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे इनको इसको इम्पोर्ट किया जाए, ठीक है, और फिर ये हर बंदे को फ्री लगाया जाए या मिनिमम चार्जेस लेके भी लगा ली जाए तो समझ आती है बात। लेकिन अगर ये प्राइवेट कंपनीज जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं पाकिस्तान में हैं, जो भी, अगर वो इफ़ दे इम्पोर्ट दिस वैक्सीनेशन फ्रॉम इंडिया, तो डेफिनेटली जी वो तो फिर अगर वो 1000 रुपये की वहाँ है तो दैट मीन्स दैट आपको पता है यहाँ 4 से 5 हज़ार रुपये का वो एक जो वैक्सीनेशन है वो चली जाएगी। तो ये इट्स ओनली कंट्रोलेबल अगर आप गवर्नमेंट इसको इम्पोर्ट करती है और उसको फिर देन
कोई ऐसी टीम बनाई गया है जो इसको खुद लोगों को जैसे आई मीन पोलियो वैक्सीनेशन किया जाता है उस तरीके से हर घर जा जा के ये मतलब उसको वैक्सीनेट किया जाए लोगों को तभी इसका फ़ायदा है। अदरवाइज अगर ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास चली गई तो फिर तो आई थिंक ये जो आम बंदा जो सफरिंग फ्रॉम कोरोना ही वोंट बी एबल और to have that vaccination. अगर हम भारत से वैक्सीन ले लेते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को इस वैक्सीन को पाकिस्तान में फ्री करना चाहिए या इस पर थोड़े से चार्जेस होने चाहिए? मुझे तो लगता है फ्री होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे लगता है हमारे यहाँ पे एक कम्युनिटी है, एक सर्टन कोटा है जो अफोर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सा पाकिस्तान में वो कम्युनिटी और वो कोटा है जो कि जिनको अवेयरनेस नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट इसके उनको अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। ऑन द सेकेंड हैंड उनको मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते टू बी ऑनेस्ट, राइट, उनमें अफोर्डेबिलिटी इशूज़ बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ से बच सकें और अपना इलाज करवा सकें। सर मुझे बताइएगा कि भारत ने जो वैक्सीन तैयार की है आपको लगता है कि पाकिस्तान को उससे हेल्प लेनी चाहिए? हमें बिल्कुल उनसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमारे जो रेशियो है डेथ की वो बहुत कम है, उनकी तो बहुत ज़्यादा रेशियो है। जस्ट लाइक अमेरिका में 4,000 डेली पीपल आर डाइंग देयर, तो हमें उनसे नहीं हेल्प लेनी चाहिए। आई डोंट बिलीव, हमें चाइना से करना चाहिए जो इंतज़ाम हो रहा है उसके साथ। आई डोंट बिलीव इन इंडिया। जी बिल्कुल, रब्ता करना चाहिए, इसलिए कि मेरे ख्याल से ये जितना मतलब बड़ा वायरस है, जितनी बर्बादी हो रही है, जानों का नुकसान हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सारी लड़ाई झगड़े भूल के तो हमें उनसे हेल्प ले लेनी चाहिए, इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी भारत ने वैक्सीन तैयार की है तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस मामले में मदद लेनी चाहिए भारत से? नहीं, बजाय भारत से मदद लेने के चाइना जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है और उन्होंने उनसे पहले तैयार की थी, तो हमें और उन्होंने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वबा उनके मुल्क में फैली थी, तो हमें उनसे मदद लेनी चाहिए बजाय कि भारत से। वो तो हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं इंडिया वाले जो हैं, अगर हमने उनसे मेडिसिन मंगवाई भी तो हमें इस चीज़ का 100% यकीन नहीं है कि वो हमें वो ही मेडिसिन देंगे। मे बी वो उसमें कुछ और वायरस ऐड कर दें जिससे हमारे हमारे पीपल्स को हमारे मुल्क का जो है मज़ीद नुकसान हो। तो बेहतर ये है कि बजाय भारत के आगे हाथ लाने से या उनसे मदद लेने से चाइना से लें, बरतानिया से लें और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने वैक्सीन तैयार की है तो उनसे लेनी चाहिए। पहले भी ये वैक्सीन जैसे अमेरिका ने तैयार की थी लेकिन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स थे जिसके बाद हमने देखा कि बहुत से लोग वफात पा गए, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा हमें पहले इंतज़ार करना चाहिए या फ़ौरन हेल्प ले लेनी चाहिए? नहीं, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि हमें लड़ाई झगड़े ख़त्म करके उनसे मदद मांग लेनी चाहिए और हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत की जानिब से कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का तैयार करना यकीनन एक बड़ी अचीवमेंट है जिस पर पाकिस्तानी आवाम ने भी भारत को खूब सराहा है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।